ओम सूर्य नारायणाय नमः। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ओम सूर्य नारायणाय नमः। माँ, तुम पश्चिम की ओर खड़ी हो। हाँ हाँ, पता है पता है, सूरज पश्चिम से ही निकला है, पर रत्तू और हंसता चेहरा। माँ, ये अखबार पढ़ो। हाँ। इसमें एक महान ज्योतिषी ने कहा है कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में इंडिया टॉस जीतेगी। हाँ? पहले बैटिंग करेगी। हाँ? और मैच भी इंडिया ही जीतेगी। वाह वाह, भगवान इस अखबार का भला करे, मेरे बेटे को हंसा दिया। हम टॉस जीतेंगे। हाय लॉर्ड, बाबूजी आप हंस रहे हैं। हाँ जयश्री, ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। बाबूजी, प्रफुल भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और उन्होंने मेरी कसम खाई है बाबूजी। बोलो बोलो। बाबूजी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो तुम कहो। वो बाबूजी मैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। बाबूजी मैं। हाँ हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया टॉस हार गई, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, और देख लेना ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी 100%। वाह वाह, क्या अखबार है। कौन लाया ये मनहूस अखबार इस घर में? मैं, लेकिन ये अखबार मनहूस नहीं है बाबूजी। जबान लड़ाते हो, तुम्हारी वजह से इंडिया टॉस हार गई। मैंने क्या किया? दिन भर पार्टी, डिस्को, देर से आना, देर से उठना। कभी मंदिर गए हो तुम? अगर गए होते और भूल से भी दुआ मांग ली होती हमारी क्रिकेट टीम के लिए, तो आज ये दौमत नहीं आती देशद्रोही। ऐसा बाबूजी कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, जैसे ऊपर वाला सबकी सुनता ही रहता है। अरे मैंने तो उनके पास एक समझदार, शांत और सुशील लड़का मांगा था, और मिला तुलसीदास। मैं इतना बुरा हूँ तो मेरे साथ रहती क्यों? तो फिर बेच देना ये घर और दे दे अपना अपना हिस्सा सबको। मोहन निवास बेचने की बात की ना किसी ने, तो सबको घर से बाहर निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दूंगा, बोरिया बिस्तर बगैर। हाँ प्रफुल, क्या कह रहे थे तुम? मैं कब? अभी अभी। बोलिए ना। मैं आपको फिर से मेरी कसम। बाबूजी मैं ये कहना चाहता था कि, समझ गए ना? नहीं। वेरी गुड।